हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कई दिनों से वीडियो बन नहीं रहा है। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस कोरोना महामारी में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, थोड़ा सा तबीयत की वजह से जो है वीडियो बीच में नहीं बन पा रहा था। आप लोग आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग जो है बात कर रहे थे प्रकाश के परावर्तन की, तो प्रकाश के परावर्तन को हम लोगों ने देख चुका था और आज हम लोग बात करेंगे दर्पण की, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन को हम लोग तभी समझ पाएंगे जब हम लोग दर्पण को समझ पाएंगे। दर्पण हमें पता नहीं रहेगा तो फिर परावर्तन किससे कराएंगे? तो सिंपल सा बात है कि सबसे पहले हमको किसको समझना पड़ेगा, दर्पण को समझना पड़ेगा। तो समझिए दर्पण क्या होता है, दर्पण किसको कहते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो कोई भी एक चिकना और पॉलिशदार सतह जिसको पॉलिश किया गया हो, एक चिकना और पॉलिशदार सतह दर्पण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दर्पण कहलाती है। कोई भी एक चिकना पॉलिशदार सतह ले लीजिए, हम उसको कहेंगे दर्पण। अब पॉलिश करना क्या होता है, पॉलिशदार क्या होता है? चिकना तो समझ में आ रहा है कि प्लेन फ्रेश, जिस पर जैसे यह बोर्ड क्या है, चिकना है, थोड़ा थोड़ा चिकना है, थोड़ा थोड़ा रुक रहा है, नहीं तो यह बोर्ड चिकना है तभी ना हम इस पर हाथ घुमा पा रहे हैं। तो यह कोई भी क्या होना चाहिए, एक चिकना होना चाहिए और क्या होना चाहिए, पॉलिशदार होना चाहिए। अब दर्पण जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। कोई भी चिकना और पॉलिशदार सतह, चमकदार सतह क्या कहलाएगी, दर्पण कहलाएगी। तो अब देखिए दर्पण आखिर बनता कैसे है। तो सामान्यतः दर्पण जो है कांच का बनाया जाता है, ग्लास का। दर्पण किसका बनाया जाता है, कांच का बनाया जाता है या ग्लास, ठीक है। अब ग्लास क्या होता है, मान लीजिए कांच ले लिए, हमने एक कांच ले लिया। अब दर्पण बनाने के लिए क्या करना चाहिए, पड़ना पड़ेगा, इसको पॉलिश करना पड़ेगा। तो पॉलिशदार सतह होना चाहिए ना जी। तो पॉलिश करने के लिए हम इस पर चढ़ाते हैं चांदी की परत, चढ़ा देते हैं इस पर। क्या चढ़ा देंगे, चांदी की, इस पर हम लोग चांदी की परत चढ़ा देते हैं। चांदी की परत चढ़ाने के बाद हम लोग क्या कहते हैं कि इसको लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड से इसको पेंट कर देते हैं। चांदी की सबसे पहले परत चढ़ाएंगे, उस चांदी की परत की सुरक्षा कैसे होगी, तो इसको इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेड ऑक्साइड की परत को जो है एक और परत इस पर चढ़ा देते हैं, लेड ऑक्साइड, ठीक है। इसको लेड ऑक्साइड से, रेड लेड ऑक्साइड से इसको क्या कर देते हैं, इसको कलर कर देते हैं। अब देखिए यह जो था हमारा क्या था, कांच था, ठीक। इससे इसके ऊपर हमने किसकी परत चढ़ाई, इसके ऊपर हमने पड़ा चढ़ाई चांदी की परत। इसके ऊपर हम चढ़ाएंगे चांदी की परत और सबसे अंतिम में हम क्या करेंगे, इस लेड ऑक्साइड का से हम लोग क्या करते हैं, इसको पेंट कर देते हैं। सबसे अंतिम वाला जो है, इस लेड ऑक्साइड से इसको हम लोग क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। तो उस इस प्रकार हमारा दर्पण का निर्माण होता है। सबसे पहले क्या लेंगे, एक कांच लेंगे, उस पर चांदी की परत चढ़ाएंगे। चांदी की परत चढ़ाने के बाद रेड लेड ऑक्साइड से उसको हम लोग क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। और कलर करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा उसको हम लोग कहते हैं दर्पण। अब यह दर्पण जो है, दर्पण का सबसे पहले काम क्या है, यह हमने अभी दर्पण बनाया, इस पर किसका काम क्या है, इसका काम है कि प्रकाश को परावर्तित कर देना। इसका काम क्या है, इसका काम है कि प्रकाश आएगा और इसको हम इसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। अगर प्रकाश रिफ्लेक्ट हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अब वह दर्पण है। और दर्पण कैसा होता है, पॉलिशदार होता है, कांच का बना हुआ होता है साधारणतः। अब यह दर्पण कितने प्रकार का होता है, यह दर्पण जो है आपका दो प्रकार का हो सकता है। यह दर्पण जो है, दर्पण
दो प्रकार का कह सकते हैं होता है। एक होता है समतल दर्पण, जिसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं, इसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं, समतल दर्पण। और दूसरा होता है समतल दर्पण, और दूसरा कह सकते हैं हम लोग वक्र या घुमावदार दर्पण, वक्र या घुमावदार दर्पण। दर्पण एक हम लोग कह सकते हैं समतल दर्पण, और दूसरा कह सकते हैं वक्र या घुमावदार दर्पण। इसको हम लोग कह सकते हैं कर्व्ड मिरर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्व्ड मिरर करेंगे। अब समतल दर्पण क्या होता है, तो समतल दर्पण वह होता है जिसका सतह क्या हो, समतल हो। जिस दर्पण का सतह चिकना, पॉलिशदार और समतल हो, उसको हम लोग समतल दर्पण कहेंगे। जिस दर्पण का सतह चिकना, पॉलिशदार और समतल हो, उसको हम लोग समतल दर्पण कहेंगे। और जिस दर्पण का सतह चिकना, पॉलिशदार और वक्र हो, टेढ़ा हो, वक्र मतलब टेढ़ा, यानी कि ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है इसका यह भाग रंगा हुआ हो सकता है इसका यह भाग रंगा हुआ हो, इसका यह भाग रंगा हुआ हो, और इसका जो है यह भाग रंगा हुआ, ठीक है। समतल दर्पण कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, इसका नीचे वाला भाग हो सकता है वो रंगा हुआ हो, ठीक है। यह क्या हो गया, यह हो गया समतल दर्पण। और यह चारों क्या हो गया, यह चारों जो है तो वक्र है, यह हो गया आपका वक्र या घुमावदार दर्पण, वक्र दर्पण लिख देते हैं यहाँ पे, यह हो गया आपका वक्र या घुमावदार दर्पण। क्यों, क्योंकि इसका समतल इसका सतह जो है समतल नहीं है, प्लेन नहीं है, प्लेन नहीं है, इसका मतलब वक्र या घुमावदार दर्पण है। तो दर्पण जो है दो प्रकार का हो सकता है, एक समतल दर्पण जिसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं, और दूसरा वक्र या घुमावदार दर्पण जिसको हम लोग कर्व्ड मिरर कहेंगे। तो प्लेन मिरर आप लोग सिंपल सा है, जिसका सतह क्या हो, समतल हो, वही क्या है, प्लेन मिरर है। और जिसका सतह टेढ़ा हो, वो क्या है, वह जो है वक्र दर्पण है। नहीं, चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। और चलिए समतल दर्पण की सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं, समतल दर्पण लिखेंगे वह चिकना, पॉलिशदार सतह जिसका, आप लोगों को बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि परावर्तक सतह क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, जिसका जिस सतह से प्रकाश टकराएगी वही क्या होगा, परावर्तक सतह होगा। जिस सतह से प्रकाश टकराएगा उसको परावर्तक सतह कहेंगे। तो जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, एक प्लेन मिरर जैसे, ठीक है, यह एक दर्पण है, एक मिरर है, कौन सा मिरर है, समतल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे परावर्तक सतह। अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से एक लाइट आती है, एक किरण है एक्स, यह जो है ओ बिंदु पर पड़ती है और ऐसे निकल जाती है, ठीक है।
समतल दर्पण में कैसे परावर्तन होता है। ध्यान दीजिए कि एक किरण जो है, एक लाइट की किरण जो है निकली और कहाँ आई, ओ बिंदु पर टकराई और ओ बिंदु से परावर्तित होकर के वाई के माध्यम से निकल गई। इसको यहाँ पर एक हम लोग अभिलंब खींच देते हैं, यहाँ पर हम लोग एक अभिलंब खींच देते हैं, सॉरी, और इसके बीच के कोण को हम लोग कहते हैं पर आपतन कोण, और इसके बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। यह जो है आपका आपतन आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है, यह अभिलंब है। तो अभिलंब अभिलंब और आपतन आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को कहेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, तो इसमें ऐसे परावर्तन होता है और यही होता है समतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं वक्र या घुमावदार दर्पण को। इसको मिटा दर्पण किसको कहेंगे, दूसरा है वक्र या घुमावदार, घुमावदार दर्पण। तो इसका भी लिखेंगे वह चिकना और पॉलिशदार सतह जिसका परावर्तक सतह समतल नहीं हो, समतल नहीं हो कहने का मतलब है कि टेढ़ा हो, वक्र हो। इसके एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में एक हम लोग ले सकते हैं यह दर्पण। एक और एग्जाम्पल ले ले सकते हैं इसका यह दर्पण, आप लोग को पिछले अभी हम एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, और क्या ले सकते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। इसमें मान लीजिए कि बाहर वाला कलर किया हुआ है और इसमें मान लीजिए कि अंदर वाला कलर किया हुआ है। ठीक, अब देखिए इन दोनों दर्पण को कहा जाता है गोलीय दर्पण, जो एक गोला का भाग होता है उसको क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। जो एक गोला का भाग हो उसको क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। अब ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको हम लोग कहते हैं परवलय, क्या कहते हैं इसको, हम लोग परवलय कहते हैं। और यह जो होता है इसको हम लोग कहते हैं गोला, इसको कहते हैं गोला और इसको कहते हैं परवलय, इसको क्या कहते हैं, इसको गोला कहते हैं। यह दोनों जो आपको दिख रहा है, सॉरी इसको थोड़ा सा ठीक से बना देते हैं, तो यह दोनों जो आपको दिख रहा है यह गोला का भाग है, तो इसलिए इसको कहते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, और यह दोनों जो दिख रहा है यह कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा है, तो इसका मतलब है कि परवलय है, इसको हम लोग कहते हैं दीर्घवृत्त, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं परवलयिक दर्पण। इसको हम लोग क्या कहेंगे, परवलयिक दर्पण। इस पाठ में हम लोग बात करेंगे समतल दर्पण की और गोलीय दर्पण की। इस पाठ में हम लोग दो प्रकार के दर्पणों के बात करने वाले हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण, और इन दोनों से परावर्तन को जानने वाले हैं, इन दोनों से बने प्रतिबिंबों को जानने वाले हैं, इन दोनों से बने प्रतिबिंबों की संख्या को जानने वाले हैं हम लोग। तो यह जो है यह दोनों आपका क्या लगता है, गोलीय दर्पण। अब थोड़ा सा इस पर हम लोग और प्रकाश डालते हैं और समझ लेते हैं कि गोलीय दर्पण कैसे होता है। मान लीजिए यह एक गोला है, इससे हमने एक भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक काट लिया और इसका नाम दे दिया P और इसका नाम दे दिया Q।
सॉरी इसको हम लोग एक्स ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं, एक्स और वाई। और काटने के बाद हमने क्या किया, इसके बाहरी भाग को कलर कर दिया। ठीक है, काटने के बाद इसको हमने, इसके हमने बाहरी भाग को कहाँ से काटा है, यहाँ से काटा है। इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं। यहाँ से हमने काटा है एक दर्पण, और काटने के बाद इसके बाहरी भाग को हमने कलर कर दिया, और एक और काटा यहाँ से लेके एक्स डैश और वाई डैश, और इसके हमने भीतरी भाग को कलर कर दिया। ठीक है, एक और दर्पण हमने काटा और इसके हमने भीतरी भाग को कलर कर दिया। ठीक है, अब हमने दो प्रकार के दर्पण काट लिए हैं, एक जिसका बाहरी भाग कलर किया हुआ है और दूसरा जिसका अंदर वाला भाग कलर किया हुआ है। ठीक है, इस दर्पण को हमने नाम दिया एक्स वाई, इसका नाम दिया एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, दो प्रकार के दर्पण काटे, इन दोनों दर्पणों को कहते हैं, इसको कहते हैं अवतल दर्पण, इसको क्या कहते हैं अवतल, और इसको कहते हैं उत्तल। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर और इसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है, यह दो प्रकार के हमने दर्पणों को काट लिया है, एक जिसको बाहर से हमने रंगा है, एक जिसको अंदर से पॉलिश किया है, जिसको अंदर से रंगा है। ठीक है, अब देखिए इन, इसको क्या कहेंगे हम लोग, परावर्तक सतह कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तक सतह कहेंगे। अब इस गोले का एक केंद्र भी होगा और इसका एक व्यास भी होगा। ठीक है, तो इस गोले के केंद्र को कहा जाता है, इन दोनों दर्पणों का, इस गोले के केंद्र को कहा जाता है, इन दोनों दर्पणों का वक्रता केंद्र, इस गोले के केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। इस गोले के केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। ध्यान देने वाली बात है, ये सारी बातें आपको एक फिगर के माध्यम से समझाई जा रही है, इसलिए इसको ध्यान दीजिए। और इसको सूचित किया जाता है सी से। ठीक है, गोले कोई भी दर्पण, और उत्तल हो या अवतल हो, वह जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, तो इस उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कौन है, सी है, इसका वक्रता केंद्र सी है। हम लोग चाहे तो दोनों को अलग अलग लिखे, तो इसको सी लिख दे, इसको सी डैश लिख देते हैं, नहीं। अब देखिए ए वक्रता केंद्र हो गया, अब इस दर्पण का जो सबसे बीच वाला मिड पॉइंट है, इस दर्पण का जो सबसे बीच वाला भाग है, इसको हम लोग कहते हैं ध्रुव। इस दर्पण का जो बीच वाला भाग है, इसको हम लोग पी से दर्शाते हैं, इसको पी डैश से मान लीजिए दर्शा देते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे, इसको पी डैश और इसको हमने पी से दर्शाया, तो इस पी को हम लोग क्या कहेंगे, इस पी को हम लोग कहेंगे, इस बिंदु को हम लोग कहेंगे ध्रुव, इस बिंदु को हम लोग कहेंगे ध्रुव, और इसको दर्शाएंगे पी से। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोल, और इसको कहते हैं कर्वेचर सेंटर। ठीक है, तो इसको हम लोग सी से, इसको ध्रुव को पी से दर्शाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों सी से लेकर के पी तक ले के बीच की जो दूरी है, यानी दूरी पी सी जो है, दूरी पी सी जो है, इसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ध्यान देने वाली बात है, यह त्रिज्या वास्तव में भी है, यह जिस गोले का भाग है उसी की त्रिज्या को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और यह वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक की दूरी है,
तो बाबू पी से लेके सी तक ले की दूरी है, पी से लेके सी तक ले की दूरी को हम लोग पीसी कहेंगे, यानी कि पोल से लेकर के सेंटर तक की दूरी, ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी, बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे हम लोग। तो यह पीसी हो गया हमारा वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव की बात हमने कर ली, इसको हम लोग कहेंगे परावर्तक सतह, इसको हम लोग कहेंगे परावर्तक सतह, इसको हम लोग कहेंगे। अब आपको मान लीजिए अगर उत्तल दर्पण बनाना है, उत्तल दर्पण बनाना है तो क्या करेंगे, गोले से एक काटते सेम है, लेकिन अगर हमने उसके अंदर वाले भाग को रजतित कर दिया, रजतित मतलब रजतित, यहाँ पर ध्यान दीजिए एक शब्द है रजतित, रजतित मतलब होता है चांदी की परत चढ़ाना, रजत मतलब चांदी, चांदी की परत चढ़ाना, एक पतली सी परत चढ़ा देना चांदी की, जैसे आप लोग मिठाई देखते होंगे लड्डू, उसके ऊपर जो लगा रहता है वह एल्यूमिनियम की परत से बना होता है, नहीं तो चांदी की एक पतली सी परत चढ़ा देना, उसको कहेंगे हम लोग रजतित करना। तो अगर हमने दर्पण के भीतरी वाले भाग को रजतित किया है तब उसको हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण, और बाहरी वाले भाग को रजतित किया है तो अवतल दर्पण, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त करेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समतल दर्पण की विशेषताओं की, और समतल दर्पण से होने वाले प्रकाश के परावर्तन की, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन पर, समतल दर्पण पर कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लगाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग मज़ा लिए होंगे, और आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये अगर समझ में नहीं आया है तो अगला वीडियो थोड़ा सा कठिन होगा समझना। तो आज रहने देंगे बस इतना ही, धन्यवाद।